मैं डॉक्टर सविता सैनी। डॉक्टर सविता सैनी जी, जी आपकी क्या मांगे हैं? अभी आपको बता ही दिया है इन्होंने, हम अधिक कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ समान कार्य पर समान वेतन ही मांग रहे हैं। और देखा जाए तो सच में हम परमानेंट डॉक्टर से अधिक ही काम करते हैं। केवल इंचार्ज ही नहीं हैं वो डॉक्टर, मैं और भी अन्य डॉक्टर्स, हम पूरा ही मैनेजमेंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है, पेशेंट्स भी देखना है, इम्यूनाइजेशन भी है, ANC भी है, आशा ट्रेनिंग भी है, और आशाज का इंसेंटिव भी हमने बनाना है, सारे स्टाफ को भी हमने संभालना है, लेकिन हमें कोई भी बेनिफिट्स नहीं है और वेतन तो एक तिहाई हमको मिलता है। डॉक्टर सैनी, आप इतने दिन इसमें डॉक्टरी कर रही हैं, क्या जब आपके डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट होते हैं तो एक आशा होती है परिवार के अंदर, एक बहू को, बच्चों को, कि जब हमारी मम्मी रिटायर होकर आएंगे, हमें एक फ्लैट दिलाएंगे, एक गाड़ी दिलाएंगे, तो ये जब आप रिटायर होंगी तो आप फैमिली को कैसे एडजस्ट करेंगी? हमें कुछ नहीं मिलेगा रिटायरमेंट पर, हमारे को किसी तरह का कोई बेनिफिट रिटायरमेंट पर नहीं मिलेगा। क्या था? ये सरकार ही जाने, ये सिर्फ शोषण है हमारा, शोषण कर रहे हैं वो। और क्योंकि हम लोग काम करने में रुचि लेते हैं, डॉक्टर क्लास ऐसी है कि वो बहुत, एक तरह से कहा जाए तो, काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। हमें पेशेंट्स का हम बहुत सोचते हैं, हम बहुत मुश्किल से स्ट्राइक करते हैं, बहुत मुश्किल से इस तरह के धरने पर बैठते हैं, और ये सब कारण है कि सरकार हमको शोषित किए जा रही है। वर्षों से हमारा शोषण हो रहा है और हम चुपचाप इसको झेल रहे हैं, सहन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन हमको अलाउ नहीं करती कि हम इस तरह के कोई भी कार्य करें जो समाज के हित में ना हो।